का यूज करके किसी भी तरह का ह्यूमन फिगर बना सकते हो, आई मीन किसी भी पोज में आप ह्यूमन फिगर बना सकते हो। ह्यूमन फिगर बनाने के लिए सबसे पहले हम बनाते हैं स्टिक ड्राइंग, स्टिक ड्राइंग करने के बाद हम बनाते हैं ब्लॉक ड्राइंग, और उसके बाद ही हम कोई भी हमारे फेस एक्सप्रेशंस होते हैं या कोई भी बॉडी में जैसे क्लोथ्स होते हैं और कोई भी ज्वेलरी वगैरह हम ऐड करनी होती है हम वो लास्ट में करते हैं। स्टार्टिंग में मैंने भी बेसिक पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, बट अब मैं बेसिक से इम्प्रूव कर रही हूँ तो इसलिए मैं आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। हम एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं, हमारी जो बॉडी होती है उसका बेसिक होता है स्केलेटन, तो स्केलेटन को हम एक तरह से ब्लॉक ड्राइंग के वे में देख सकते हैं। और ब्लॉक ड्राइंग से पहले होती है स्टिक ड्राइंग, तो जिस तरह से हमारी बॉडी पूरी बॉडी एक स्केलेटन से बनी है उसी तरह से हमें ह्यूमन फिगर ड्राइंग में कोई भी ह्यूमन फिगर बनाने के लिए स्टिक ड्राइंग करना बहुत नेसेसरी हो जाता है। फ्री हैंड ड्राइंग करना कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, हम कोई भी फ्री हैंड ड्राइंग इजीली कर सकता है, बट अगर हम फ्री हैंड ड्राइंग कुछ रूल फॉलो करके करते हैं तो बहुत अच्छे से हो पाती है। जैसे कि मैंने पहले एक पेंटिंग बनाई थी, कंपोजिशन ही थी वो, उसमें मैंने स्टिक ड्राइंग का यूज़ नहीं किया था और पेंटिंग बहुत अच्छी लग रही थी, कलर्स भी अच्छे थे, बट वहाँ मेरा ह्यूमन फिगर बहुत ख़राब था। मैंने एक लेडी बनाई थी तो उधर मैंने ना ही कोई स्टिक ड्राइंग का यूज़ किया और ना ही ब्लॉक ड्राइंग का यूज़ किया, मैंने डायरेक्ट फ्री हैंड ड्रॉ करके डायरेक्ट वो फिगर बना दिया, तो उसकी वजह से मेरी वो ड्राइंग ख़राब हो गई थी। अब हमने स्टिक ड्राइंग सीख लिया है तो इसलिए मैं आपके साथ वो शेयर कर रही हूँ, जो भी मुझे जितनी भी नॉलेज है स्टिक ड्राइंग से रिलेटेड, हो सकता है आपको भी इसकी नॉलेज हो और आपने कहीं और से सीखा हो, सो थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, बट जो भी मुझे आता है मैं वो आपके साथ शेयर करूँगी एंड आई होप आपको वो यूज़फुल लगेंगी। सो चलो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, जो एक स्टैंडर्ड ह्यूमन फिगर होता है वो 7.5 पार्ट में डिवाइड होता है। सो यहाँ मैं स्केल की हेल्प से 7.5 सेंटीमीटर की लाइन लगा रही हूँ। मैं सभी फिगर्स 7.5 सेंटीमीटर की लाइन के में ही बनाऊँगी, तो इस तरह से मैंने बना लिया और इसे 7.5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, मतलब एक पार्ट 1 सेंटीमीटर का। सो जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हम फेस बना रहे हैं। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि अगर हम फेस बिना मेजरमेंट के या फ्री हैंड जैसे भी बना रहे हैं स्टिक ड्राइंग में भी, तो फेस सर्कल नहीं बनेगा, फेस ओवल बनेगा। और जो उसके बाद नेक के लिए हमने एक छोटी सी लाइन लगाई है, और जो हमारे शोल्डर्स हैं, शोल्डर्स जो होंगे वो हमारे जो फेस है फेस की साइज़ का 1 साइड का शोल्डर होगा, मतलब जितना साइज़ हमारे फेस का है उससे डबल हमारे शोल्डर्स हो जाएंगे। सो जैसे कि हमने 7.5 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो फर्स्ट बॉक्स में आया हमारा फेस, और उसके बाद सेकंड बॉक्स में हमने थोड़ा सा स्पेस छोड़ के नेक बनाई है। सेकंड लाइन जो है हमारी वहाँ तक हमारी चेस्ट आएगी, और फिर सेकंड एंड थर्ड लाइन के बीच में जो हमारी वेस्ट है वो स्टार्ट होगी, और थर्ड लाइन से हमारा जो हिप कॉर्नर होता है हिप लाइन वो स्टार्ट होगी, और थर्ड से फोर्थ तक हिप लाइन रहेगी। सो थाइस जॉइन करने के लिए हम ऐसी तरह से दो जॉइंट्स लगा देते हैं, जॉइंट्स हैं ये, और उसके बाद हम थाइस एरिया बनाएंगे। सो नीज हमारी फिफ्थ एंड सिक्स लाइन के बीच में सेंटर में आएगी, तो वहाँ पहले हम सर्कल लगा लेते हैं और उसके बाद फिर लाइन लगाते हैं, और फिर सेवन्थ लाइन तक हमारे जो लोअर लेग है वो आएगी। सो जो सेवन्थ लाइन है हम वहाँ पे भी जो एक सर्कल बना लेते हैं, और उसके बाद जो सेवन के बाद की लाइन है 7 and 7.5 वहाँ पे हमारे जो टोज हैं वो आ जाएंगे, और फिर हम जब हैंड्स बनाते हैं तो हैंड्स में जो हमारी एल्बो है वो वेस्ट के कॉर्नर से स्टार्ट होगी। सी ये जॉइंट्स जो है वेस्ट में आ रहा है, और रिस्ट के जॉइंट हमारी थाइस के जॉइंट्स के बराबर आते हैं। तो अभी मैं आपको कुछ फिगर्स बना के दिखाती हूँ, जैसे कि मैं सेम रूल से ही बनाऊँगी। जैसे कि ये है 7.5 सेंटीमीटर की लाइन लगा के, और फिर उसे सेम तरह से डिवाइड करके, और फिर उस तरह से मैं ये बना रही हूँ।
सो आप ये देख सकते हो कि मैं फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग ही ये मैंने फिगर बनाया है, जो कि एक ह्यूमन का फिगर है और चलता हुआ दिखाया है ये। सो नाउ यू कैन गेस कि ये किस पोज का फिगर है। ऑब्वियसली हम जज कर सकते हैं कि एक ओल्ड मैन का फिगर है। ऐसे ही मैं एक और फिगर बना रही हूँ सेम रूल की से, सेम स्केल से। मैं 7.5 सेंटीमीटर्स की लाइन ले रही हूँ। आप इंचेस में भी ले सकते हो अगर आपको बड़ा फिगर बनाना है। इस मेथड का यूज़ करके आप बड़े से बड़ा आर्टवर्क बना सकते हो और छोटे से छोटा आर्टवर्क भी बना सकते हो अगर आपको कोई भी फिगर बिना देखे बनाना है तो, और देख के बनाना है उसमें भी आप ये मेथड यूज़ करोगे तो और भी ज़्यादा बेटर होगा। सो यू कैन सी कि ये एक पर्सन है जो कि पैटिंग कर रहा है, और ऐसे मैं एक और फिगर बना रही हूँ। सो ये सभी फिगर थे वो एक तरह से मैन के शो हो रहे थे, तो ये मैंने थोड़ा फीमेल पोज में बनाने का ट्राई किया है। सो अभी आप इस पोज को भी गेस कर ही सकते हो कि ये एक वुमेन है जो कि इस तरह से पोज में खड़ी है। अभी मैं इनको मार्कर से आउटलाइन कर रही हूँ, तो आई थिंक अब आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि मैंने सही किया है या नहीं, और किस तरह से आप भी इस मेथड का यूज़ कर सकते हो और ऐसा करने के बाद कैसा लगेगा। सी तो आपकी स्ट्रिक्ट ड्राइंग कुछ इस तरह की लग सकती है। मैंने अभी रेज भी कर दिया है, सो ये कुछ इस तरह की लग रही है। सो आज की वीडियो में तो हमने सिर्फ स्टिक ड्राइंग बनाई है। आने वाली वीडियो में हम स्टिक ड्राइंग का यूज़ करके कंपोजिशन भी बनाएंगे, कोई भी सीन क्रिएट करने की ट्राई करेंगे। सो मैं वो वीडियो जरूर उसकी वीडियो ज़रूर बनाऊंगी और शेयर करूंगी। सो यही वो तरीका था जिससे हम कोई भी ह्यूमन फिगर इजली बना सकते हैं विद इन 2 or 5 मिनट। सो यहाँ मैंने सिर्फ और सिर्फ स्टिक ड्राइंग की बात किया। ह्यूमन फिगर बनाने के लिए सबसे पहले हम बनाते हैं स्टिक ड्राइंग। स्टिक ड्राइंग करने के बाद हम बनाते हैं ब्लॉक ड्राइंग, और उसके बाद ही हम कोई भी हमारे फेस एक्सप्रेशंस होते हैं या कोई भी बॉडी में जैसे क्लोथ्स होते हैं और कोई भी ज्वेलरी वगैरह हम ऐड करनी होती है हम वो लास्ट में करते हैं। तो आई होप आपको आज की वीडियो यूज़फुल लगी होगी। अच्छी वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और अगर शेयर कर सकते हो तो शेयर भी कर देना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मीट यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप इंप्रूविंग एंड बाय।